गाइस आज दिखाएंगे आपको डेकन एसी सर्विस। तो ये देखिए यहाँ पे हमने ग्रिल को भी उतार दिया है और फिल्टर को भी उतार दिया है। तो ये देखिए अब हम ग्रिल के ऊपर वाले जो पेच हैं उसको भी खोलते हैं। तो ये देखिए तीन पेच हैं इसके ऊपर, तो वो भी अभी जल्दी से खोल के आपको दिखाते हैं ग्रिल को कैसे उतारते हैं और बाद में इसकी सर्विस कैसे करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे जो स्क्रू हमने उतार दिए हैं और यहाँ पे स्विंग वाले जो फ्लैप है वो उतारना दिखाते हैं। ये देखिए बहुत ही आसानी से ये उतर जाते हैं। तो ये देखिए ये उतार दिया हमने और अब हम ग्रिल का ऊपर वाले जो लॉक हैं वो दिखाएंगे आपको किस तरह उसको निकालना है। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे हमने ये जो ग्रिल के लॉक हैं आसानी से उतर जाते हैं और ध्यान से उतारने होते हैं ताकि टूट ना जाए। तो ये देखिए यहाँ पे इस तरह हमने ग्रिल को उतार दिया है और एक ग्रिल को आगे से फिर से इस तरह निकाल लेना है और यहाँ पे हमने उतार दिया है। और अब सर्विस करने के लिए जो कवर हम डालते हैं वो डालेंगे बिल्कुल ही सही तरीके से और सही ढंग से इसको लगाना है, नीचे कवर करना है ताकि जब सर्विस करते वक्त जो पानी है दीवार के ऊपर और जो नीचे पानी ना जा सके और जो पानी है इसके अंदर रहे और इसके अंदर से ही पानी नीचे जो बाल्टी रखी है जी उसके अंदर पानी हाँ जाए। ये देखिए और यहाँ पे हमने इसकी सेटिंग कर ली है और जो कवर का गैप है थोड़ा थोड़ा सा गैप है उसको भी हमने सही ढंग से ठीक कर लिया है ताकि जो पानी है ज़्यादा से ज़्यादा पानी इस कवर के अंदर रहे और बाहर ना जा पाए। यहाँ पे हमने इसकी पूरी सेटिंग कर दी है कवर की ताकि जो पानी है पानी नीचे ना जाए और यहाँ पे पूरी सेटिंग हो चुकी है। और अब गन को चलाएंगे, ये देखिए प्रेशर चेक कराएं रहे हैं ताकि ज़्यादा जो प्रेशर इसके ऊपर ना लगे। और यहाँ पे ये देखिए इस तरह सर्विस हमारी जो है शुरू कर दी हमने सर्विस और यहाँ पे पूरी अच्छी तरह इसको साफ़ करेंगे और जो साइड में सर्किट है दाएं हाथ में राइट हैंड में सर्किट है, सर्किट के अंदर पानी नहीं जाना चाहिए। ये देखिए थोड़ा थोड़ा अगर पानी आगे को आए तो इस तरह करके पानी नीचे चला जाता है। और अभी हम कंप्लीट सर्विस करके दिखाएंगे आपको और फ़ैन को नीचे पकड़ के रखना है, जो कहते हैं कि घूमने से इसके डीसी पावर बन जाती है पीसीबी के। और यहाँ पे हमने इसको अच्छी तरह बिल्कुल सही ढंग से सर्विस कर रहे हैं। और तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे हमने इसको सर्विस तकरीबन कर लिया है और आगे जो फैन है उसको भी क्लीन करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे भी हमने भी अच्छी तरह यहाँ पे क्लीन हो गया। ये देखिए यहाँ पे क्लीन हो चुका है, जो एसी जो है हमारा सर्विस हो चुका है, इंडोर इंडोर जो है वो सर्विस हो चुका है। ये देखिए यहाँ पे काफ़ी क्लीन हो चुका है और यहाँ पे हमने पूरी अच्छी तरह कर दिया। और यहाँ पे ग्रिल है हमारे पास, उसको जो हमारे दूसरे ब्रदर हैं वो कर रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पे इस ग्रिल को ध्यान से पकड़ के रखना है कि प्रेशर से आगे ना गिर जाए, आगे गिर जाएगी तो बाद में इसका जो लॉक है जो प्लास्टिक है कोई भी टूट जाएगा। और अच्छी तरह यहाँ से इसकी मिट्टी जो है वो निकालनी होती है। और यहाँ पे हम इसको अच्छी तरह क्लीन कर रहे हैं, टाइम तो लगेगा और प्रेशर भी सेट कर रहे हैं।
फिल्टर को साफ़ करने के लिए। ये देखिए ये निकल गए थे, और यहाँ पे अभी हम इसको क्लीन करके फिर से दोबारा इसके अंदर लगाएंगे, ताकि जो पहले कंपनी ने लगा रखे हैं वहीं पे हम लगा देंगे। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी क्लीन नहीं है, और यहाँ पे इसको क्लीन करके थोड़ा तेज़ करेंगे इसको प्रेशर को, ताकि जो मिट्टी इसके ऊपर जमी हुई है वो अच्छी तरह उतर जाएगी। और यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे प्रेशर जो है ना तो ज़्यादा करना है प्रेशर, ताकि प्लास्टिक ना टूट जाए, एक साइड ना निकल जाए। और यहाँ पे पूरी अच्छी तरह यहाँ पे ग्रिल जो है हमारी क्लीन हो चुकी है, ये देखिए। और यहाँ पे बहुत ही आराम से इसको करना है, ताकि ये टूट ना जाए। और यहाँ पे अब हम दूसरी साइड भी करेंगे क्लीन। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे बहुत ही आसानी से ये क्लीन होता है। और यहाँ पे हमने इसलिए टाइम लगा के दिखाया है आपको, ताकि कई बार क्या होता है ये ग्रिल जो है टूट जाती है। और यहाँ पे हमने इसलिए इतना टाइम लगा के आपको दिखाया है। और यहाँ पे फिल्टर जो उतरे थे हमारे प्रेशर से निकल गए थे, और अब हम इसके ऊपर लगाएंगे, और ये भी क्लीन हो चुके हैं। और यहाँ पे जो जो जाली थी इसकी, वो ही उसके साथ ही जोड़ के हमने यहाँ पे लगा दी है। और यहाँ पे इसको फिटिंग करके तो फिर आगे लगाएंगे एसी की ग्रिल। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे क्लीन हो चुका है ग्रिल, थोड़ा सा रह गया ये देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे भी क्लीन करेंगे। जो फ्लैप हैं वो ब्रदर कर रहे हैं, और यहाँ पे इसको क्लीन करके अच्छी तरह फिर लगाएंगे, ताकि जो हमारा एसी है अच्छी तरह क्लीन हो जाए। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे फिल्टर भी हमने क्लीन कर दिए हैं, ये देखिए। कभी कभी प्रेशर जो है कम हो जाता है, पाइप दब जाती है। तो ये देखिए, यहाँ पे हमारा कहीं भी पानी नहीं जाना चाहिए, सर्किट के अंदर भी नहीं जाना चाहिए। और यहाँ पे हमारा एसी जो है काफ़ी हद तक 100 से 90% क्लीन हो चुका है। थोड़ा सा रह जाता है, इसलिए कि हम पानी ना इसके अंदर जा सके सर्किट के अंदर। ये देखिए गंदा पानी है, जो एसी को हमने सर्विस किया है, ड्रेन वाली पाइप से आया है। और अब हम लगाएंगे ग्रिल को, बहुत ही आराम से लगाएंगे, ताकि कोई ग्रिल का जो प्लास्टिक है वो टूट ना जाए, ये देखिए। और बहुत ही आराम से इसको फिटिंग करेंगे, ताकि ये ख़राब ना हो, एसी ख़राब ना हो। और यहाँ पे जो ड्रेन पाइप है उसको सही ढंग से इसको फिटिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे इसलिए फिटिंग कर रहे हैं कि ये बेंड ना हो जाए, दब ना जाए। और यहाँ पे ग्रिल जो है हमारी लगा दी हमने, और अब लगाएंगे लॉक। ऊपर जो लॉक है उसको थोड़ा दबा के और कट में करके उसको दबा के लगाएंगे, तो लॉक खुद ही लग जाएंगे। तो यहाँ पे ग्रिल लग चुकी है, और अब लगाएंगे फ़िल्टर। तो ये देखिए दोस्तों, डेकन एसी के फ़िल्टर हैं, बहुत ही आसान है ये सर्विस करना। और ये है इसकी स्विंग वाली फ्लैप, और लगानी भी बहुत आसान है, उतारनी भी बहुत आसान है, क्योंकि ये थोड़ी सी मुड़ जाती है, टूटती नहीं है, और बहुत ही आसानी से ये लग जाती है। ये देखिए यहाँ पे हमने लगा दिया, एक फ्लैप लगा दिया है, और जो उतारना था वो एक ही दिखाया था आपको। और यहाँ पे जो छोटे वाला फ्लैप था,
ये देखिए बहुत ही आसानी से फ्लैप लगता है, और कुछ फ्लैप होते हैं जो और भी एसी होते हैं, बहुत मुश्किल होता है उसके फ्लैप लगाना। तो यहाँ पे हमने क्लीन कर दिया है जो हाथ लगे थे, और अब तीन स्क्रू हैं, तीनों स्क्रू जो हैं अब हम इसको टाइट कर देंगे, और टाइट करके फिर आगे का प्रोसीजर करेंगे। और ये देखिए दूसरे वाला पेच जो है हमारा लग चुका है, और अब लगाएंगे तीसरे वाला। तो दोस्तों प्लीज़ कंप्लीट वीडियो देखा करो और सब्सक्राइब ज़रूर किया करो, हम बहुत मेहनत करते हैं अपने काम में, रिकॉर्डिंग में बहुत मेहनत लगती है, एडिटिंग में इतनी बड़ी वीडियो होती है। तो ये देखिए इन्वर्टर एसी है, ये देखिए दोस्तों डेकन एसी इन्वर्टर एसी। तो यहाँ पे आसानी से ग्रिल लगाएंगे, ये देखिए जो इसके लॉक हैं जो, ये देखिए आराम से इसको आगे करना है और आराम से इसको लगाना है, निकालना भी आराम से है और लगाना भी आराम से है, ताकि जो प्लास्टिक है इसका टूट ना जाए। और ये देखिए ये ऊपर वाला कवर है जहाँ पे वायर कनेक्शन होते हैं, और यहाँ पे अब हम स्क्रू को टाइट करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे हमने स्क्रू को टाइट कर दिया है और फ्लैप जो है हमारा लग चुका है। ओके दोस्तों, तो अब जाएंगे आउटडोर, आउटडोर ये देखिए डेकन एसी इन्वर्टर एसी। तो यहाँ पे इसको पहले तो हम स्क्रू खोलेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे 10 फीट की ऊंचाई पे है ये एसी, हमने पौड़ी की मदद से हम ऊपर चढ़े हैं सीढ़ी की मदद से, और यहाँ पे ये देखिए सर्किट लगा हुआ है, इसको बचाना है हमने। ये देखिए सर्किट है, वायरें हैं, सेंसर क्या सर्किट है, जो सेंसर लगे होते हैं इसके अंदर और जो आउटडोर को चलाता है उसका सारा सर्किट है। और यहाँ पे एसी हमारा क्लीन करने वाला है, गंदा है एसी, तो कैमरा रखने में बहुत दिक्कत हो रही है, दिखाने में बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि हम कभी इधर सिर पैर रख सकते हैं को इसके ऊपर, छोटी सी स्लैब है। और यहाँ पे हम कैमरा भी रखेंगे, दिखाएंगे कैमरे से भी दिखाएंगे, और एसी को सर्विस भी करेंगे। आसान नहीं है दोस्तों यहाँ पे सर्विस करना और साथ में इसकी वीडियो बनाना। और ये देखिए दोस्तों यहाँ पे हमने जो मेन जगह थी यहाँ से हमने इसको सर्विस करना था, वो हमने दिखा रहे हैं आपको। ये छोटी सी स्लैब है जितना एसी है, सिर्फ 8 इंच और स्लैब बची हुई है। ये देखिए जहाँ पे मेरा पैर है, शूज रखा हुआ है यहाँ पे मैंने, और ये देखिए यहाँ पे धीरे धीरे इसको क्लीन कर रहे हैं ताकि नीचे ना गिर जाएं। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे नीचे जो पानी वाली पाइप है, दूसरे लड़कों से सेट नहीं हो रही है, पानी जब कम हो जाता है, प्रेशर कम हो जाता है, तो पानी जो रुकना पीछे से शुरू हो जाता है, तब प्रेशर कम होता है। तो ये देखिए ये मिट्टी जो है सब हमने क्लीन कर रहे हैं, और यहाँ पे काफ़ी मिट्टी थी इसके ऊपर क्योंकि बाहर था ये आउटडोर एसी, तो जो इंडोर था वो कम था, इतना क्लीन करने वाला नहीं था। ये देखिए यहाँ पे जगह है, सिर्फ पैर ही रखे जाएंगे। और ये अब हम इसके ऊपर खड़े हो गए हैं, और अब एसी को दिखाएंगे, जितना हो सके उतना दिखाएंगे, क्योंकि सर्विस भी करना है। और यहाँ पे कैमरा मेरे हाथ में है, और दोस्तों यहाँ पे बहुत मुश्किल था एसी को सर्विस करना, और सर्किट भी बचाना है मुझे जो ऊपर सर्किट लगा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने कोशिश पूरी कर रहा हूँ कि ये अच्छी तरह क्लीन हो जाए, वैसे तो हमने बहुत एसी किए हैं सर्विस, लेकिन थोड़ी सेफ्टी भी करनी पड़ती है। और यहाँ पे अब हम
इसको सर्विस कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे जो पैर हैं वो नज़र आ रहे हैं। और अभी हम आगे कैमरा करते हैं तो ये देखिए दोस्तों, थोड़ी ज़्यादा मुश्किल आ रही है, और ताकि ये जो प्रेशर है वो कम चल रहा है, और फिर से हम इनको पूछ रहे हैं कि प्रेशर क्यों नहीं चल रहा है। और यहाँ पे अब हम फिर से प्रेशर, गन का प्रेशर जो कम हो गया था, और फिर से चेक कर रहे हैं कि पूरा हो चुका है। यहाँ पे पानी नहीं गया है, अगर पानी जाता है तो एसी ख़राब हो जाएगा हमारे से। और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्लीन हो चुका है। चलो, और यहाँ पे अब हम इसका ऊपर वाला जो ढक्कन है ऊपर लगाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे सर्किट को भी बचाना था, इसलिए हमने ज़्यादा पानी मारने की कोशिश नहीं की, इसके ऊपर सर्विस करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि सर्किट के अंदर अगर पानी चला जाता तो फिर एसी हमारा ख़राब हो जाता। तो हमने जहाँ पे ज़रूरी था वहाँ पे हमने पानी इसके ऊपर डाला, और जितना भी हो सका पूरी कोशिश की है कि सर्विस हो चुका है एसी। और यहाँ पे ये देखिए, तो इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ दोस्तों।